Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Welcome to class 5. Maths, chapter number 2, operations on large numbers, session 5. In previous lecture, we have discussed about exercise 2.1. Now, we learn about subtraction of large numbers and properties of subtraction. So, now, सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स. अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना किसका, लार्ज नंबर्स का. तो लेट्स स्टार्ट. द स्टेप्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स आर सेम एज दैट ऑफ स्मॉल नंबर्स. अगर हम लोग ने सीखा है स्मॉल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, तो सेम उसकी ही तरह होता है लार्ज नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना. तो हम लोग ने स्मॉल नंबर जैसे सीखे थे सब्ट्रैक्ट करना, वैसे ही हम लोग कर रहे हैं लार्ज नंबर्स के लिए. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस एंड मूव फर्दर एंड रीग्रुप इफ रिक्वायर्ड. हम लोग क्या से स्टार्ट करते हैं, वन्स प्लेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद टेंस में आते हैं, हंड्रेड्स पे, थाउजेंड्स पे, लैक्स पे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. और हम लोग के पास जितने डिजिट्स होते हैं उतनी हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल. इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 98,22,300 फ्रॉम 2,34,23,400. तो इसमें हम क्या करना है, हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो लेट्स डू, फर्स्ट वी राइट दिस बिकॉज फ्रॉम हम लोग मतलब इसको पहले लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. 2,34,23,400 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 98,22,300. तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग को कहां से स्टार्ट करना है, फ्रॉम, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस. हम लोग को वन्स प्लेस से स्टार्ट करना है मतलब राइट मोस्ट से. तो लेट्स स्टार्ट. जीरो सब्ट्रैक्ट जीरो इज जीरो. नेक्स्ट वी हैव जीरो सब्ट्रैक्ट जीरो इज जीरो. नेक्स्ट वी हैव 4 subtract 3, तो हम लोग को 4 में से 3 माइनस करना है, तो हम लोग को कितना बचेगा, ओनली 1. नेक्स्ट वी हैव 3 subtract 2, सो वी राइट 1. नेक्स्ट वी हैव 2 subtract 2, सो वी राइट 0. नेक्स्ट वी हैव 4 subtract 8, तो 4 इज स्मॉलर नंबर देन 8, सो वी बोरो फ्रॉम अनदर कॉलम. दिस बिकम्स 2 and this becomes 14. So when we subtract 14 and from 8, so we get 6. Next we have 2 and 9. Same, 2 is a smaller number than 9, so we borrow from 2, it becomes 1, it becomes 12. 12 subtract 9 is 3 and 1 is alone, so we write as it is. So our subtraction is 1,36,1,100. Okay? Now, example 6. Subtract 74,582 from 15,46,350. इसमें क्या करना है? Subtract करना है. किसको करना है? 74,582 को. किससे करना है? 15,46,350 से. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सबको अरेंज करेंगे कॉलम वाइज. अरेंज दीज नंबर्स इन कॉलम. सो फर्स्ट वी
सी दैट इट इज वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख सो वी हैव सेवन प्लेसेस सो वी राइट वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड नेक्स्ट लैख टेन लैख सो वी राइट एज प्लेसेस नाउ वी अरेंज दीज नंबर्स सो फर्स्ट वी हैव जीरो नेक्स्ट वी हैव फाइव नेक्स्ट वी हैव थ्री नेक्स्ट वी हैव सिक्स नेक्स्ट वी हैव फोर नेक्स्ट वी हैव फाइव एंड नेक्स्ट वी हैव वन नेक्स्ट इन दिस नंबर वी हैव एट राइट मोस्ट टू एट फाइव फोर एंड लास्ट वन इज सेवन सो वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस number so in this we have to subtract this number from this number so in at right most we have 0 subtract 2 so 0 is smaller than 2 so we have to borrow from another column so this become 4 and this become 10 so we have to subtract 2 from 10 so we write 8. Next we have 8 subtract from 4. So 4 is smaller than 8. So we borrow from 3. It becomes 2 and it becomes 14. So we have to now subtract 8 from 14. So we write 6. Next we have 5 subtract from 2. So we have to borrow again. This becomes 12 and this becomes 5. So 12 subtract 5 so we get 7 next we have 4 subtract from 5 we get 1 next we have 7 subtract from 4 so 4 is a smaller number so we borrow from 5 this become 4 and this become 14 so we subtract 14 7 so we remain 7 next we have 4 so we write 4, next we have 1, so we write 1. So, our answer is 14,71,768. And now we see that हम इन्हें क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? तो, this is minuet. This is subtrahend and this is difference तो इससे हमने क्या सीखा जिस नंबर में से हम लोग जिस नंबर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है तो अगर जिस जो हम लोग का नंबर होता है वो होता है minuend जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो होता है subtrahend एंड जो हम लोग का आंसर होता है वो होता है हम लोग का डिफरेंस सो difference is 14,71,768 okay now we see that subtraction of these numbers so ab hum sikhenge checking now we see about checking so In this, we learn about minute, subtrahend, and difference. So, when we do checking, we have to add difference and subtrahend. We have to add difference and subtrahend. So, in difference, we have 14,71,768. And subtrahend of this is 74,582. So we have to add both these numbers. So addition of this is 8 plus 2 is 10. So we write 0 here and 1 goes to carry. Next we have 1, 6 and 8. So addition of 1, 6 and 8 is
15 we write 5 here and 1 here. Next we have 1, 7 and 5. So addition of 1, 7, 5 is 13. We write 1 here and 1 goes to carry another column. Next we have 1, 1, 4. So addition of 1, 1, 4 is 6. Next we have 7 and 7. So addition of 7 and 7 is 14. We write 4 here and 1 goes to carry at another column. Next we have 1 and 4. So 1 and 4 is 5. And in last we have 1. So our answer of this addition is 15,46,350. तो हम लोग का जो आंसर आया है वो है 15,46,350. अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो हम लोग का आंसर आया है वो हम लोग का माइनुएंट के इक्वल होना चाहिए. इधर क्या है 15,46,350, हियर आल्सो 15,46,350. सो इट इज इक्वल टू माइनुएंट. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब हमें क्या सीखना है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज. लेट्स स्टार्ट नंबर वन. द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन द सब्ट्रैक्शन कैन नॉट चेंज. हमें क्या बताया गया है जो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे दो नंबर्स होते हैं वो क्या नहीं होते हैं कम्यूटेटिव नहीं होते हैं. कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि उनको हम लोग नंबर को आगे लिखे या सब्ट्रैक्शन के पीछे लिखे तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव. तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है. क्यों? इज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन द सब्ट्रैक्शन कैन नॉट चेंज. मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसे फर्स्ट में ही रहना होता है, जो सेकेंड नंबर है उसे सेकेंड जगह पे सेकेंड प्लेस पे ही रखते हैं हम लोग. उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर पे जगह नहीं आ सकता और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर की जगह नहीं आ सकता. सो लेट्स सी सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 4,52,653 माइनस 2,35,390 वन नॉट इक्वल टू 2,35,391 माइनस 4,52,653. तो हमें इसमें क्या देख पता चलेगा कि जब हम लोग इस नंबर को आगे रखते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका आंसर अलग आएगा अगर हम लोग ने इसको आगे रखा माइनस करके इस नंबर को पीछे रखा. तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इक्वल नहीं आएगा. ओके, नाउ नंबर टू. इफ बोथ द नंबर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड आर सेम देन द डिफरेंस इज जीरो. इसका मतलब है जब हम लोग के पास जो दो नंबर्स होते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों नंबर क्या हो सेम तो देन द डिफरेंस इज जीरो. तो हम लोग का जो आंसर आता है डिफरेंस आता है वो क्या होता है जीरो होता है. लेट्स सी सम एग्जांपल. 14,80,352 माइनस 14,80,352. सो इन दिस एग्जांपल both the numbers are same and we have to do subtraction. So the answer means difference is 0. Next we have third number. When we subtract 0 from a number, the difference is the number itself. मतलब जब हम 0 subtract करते हैं कोई भी number से तो हमें जो answer मतलब difference जो मिलता है वही number मिलता है. Let's see example. 25,18,600 subtract 0 gives we get 25,18,600. तो इसमें हमें क्या पता चला जब हम लोग ने 0 subtract किया इस नंबर से तो हमें यही सेम आंसर मिल गया. So, okay. Thank you.